सभी श्रोताजनों को मेरा प्रणाम। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाने पड़ रही है। मुझे दुख अपना नहीं या किसी और का दुख लेकर नहीं, आज दुख मुझे इस बात का लग रहा है कि मैं आज गुजर रहा था रास्ते से, तो मार्ग पर मुझे भगवान की कुछ फोटोएं मिली पड़ी, कूड़ा कचड़ा के ढेर में पड़ी थी। उसको देखकर बड़ा दुख लगा मेरे को। उस दृश्य को देखकर मेरी आंखों को चुभन होने लगी कि हम लोग कैसे भगवान के भक्त हैं। यह समझ नहीं आता कि आप भगवान की भक्ति किस तरीके से कर रहे हो, कौन सा तरीका है भगवान की भक्ति करने का। स्वयं विचार कीजिए, आप अच्छा कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। आपने भगवान की मूर्ति कूड़ा कचड़ा में डाल दी, क्या भगवान कचड़े में डालने वाली वस्तु है? क्या भगवान की फोटो किसी कचड़े में डालने के लिए बनी हुई है? आप लोग मंदिर जाते हो, फूल मालाएं मिलती है, उसको भी कचड़े में डाल देते हो। काय के भक्त हो आप लोग, सनातन धर्म की मर्यादाओं का ही उल्लंघन कर रहे हो, तो काय को कहें कि आप भगवान के भक्त हो। आपको भी हमने क्या कर दिया? अरे सब कुछ हम ही तो लोग कर रहे हैं। अब जरा देखिए, भगवान की फोटोएं आपको नाले के किनारे बहती हुई मिलेंगी, आधी जली हुई मिलेंगी। आपको कूड़े कचड़ा के ढेर में भगवान की फोटो मिल जाएगी। नदी के किनारे चले जाएंगे, वहां भगवान की फोटोएं मिल जाएंगी। ये कपूर जो आप खरीदते हो, धूप जो खरीदते हो, उसमें भगवान की तस्वीर बनी होती है, और बाद में आप उसको फेंक देते हो और वो किसी कचड़ा के ढेर में कहीं कहीं कहीं। बहुत दुख होता है इस चीज को देख, इस दृश्य को देखकर आंखों को चुभन होती है कि हे दाता ये क्या हो गया। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके घर में यदि कोई मूर्तियां खंडित हो जाती है, टूट जाती है, कोई फोटो कोई तस्वीर अगर फट जाती है, आप उसका अनादर मत कीजिए। भगवान का अनादर करना बहुत गलत है। कभी जाकर देख लेना, पेड़ों के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हम टूटी फूटी मूर्तियों को छोड़कर चले जाते हैं। आपको क्या लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? नहीं, आप तो बहुत बड़े पाप के भागी हैं। आपने वहां पर अगली भगवान की फोटो, तो थोड़ी हवा चली, तूफान आया, उड़ के कहीं और चली गई। आप बताइए कितने पैरों के नीचे से वो कोई व्यक्ति उसमें साइकिल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके, हाय हाय कितना दुख लगता है। थोड़ा सा समझदार बनो जी, थोड़ा सा तो अपनी इस मनोमस्तिष्क को जगाओ। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जरा इतना तो देख के आओ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई फोटो फट जाए, कोई तस्वीर भगवान की वो फट जाए, या आप अपने घर के अंदर कोई मूर्ति रखते हो खंडित हो जाए, तो आप कृपया एक काम कीजिएगा, उसको पेड़ों के नीचे इधर उधर मत रखिएगा। आप एक काम करना, किसी एकांत स्थान पर जाइए, छोटा सा खड्डा खोदिए और वहाँ पर जितने भी आपके फोटो तस्वीर हैं सब वहाँ पर डाल के आ जाइए। लेकिन इतना बड़ा पाप मत कीजिए। भगवान के फोटो को सुनसान पेड़ के नीचे, भगवान के फोटो को आप नाली कचड़ों में जाने से रोकिए। क्या आपने अन्य धर्मावलंबियों की भगवान की फोटो या कचड़े के ढेर में, या नाली के ढेर में, या पानी के किनारे, क्या आपने किसी इधर उधर बहते हुए देखी? कभी नहीं। क्या आपने किसी मुसलमान भाई के भगवान को, आपने कभी सिख लोगों के भगवान को, क्या आपने कभी ईसाई विलंबियों के जो भगवान है, क्या आपने उनको कभी नाली में बहते हुए देखा? लेकिन दुर्दशा हम लोगों की देखी, भगवान की कोई माला मिली कचड़े के ढेर में, भगवान के कार्ड, आपके शादी के कार्ड में, विवाह कार्ड में, विवाह पत्रिकाओं में भगवान की फोटो बनी थी वो नाले के कचड़े में, आपके धूप अगरबत्ती को पूरा आखी में बनी थी भगवान की फोटो, वो भी आपने फेंक दी नाले के कचड़े में। आप स्वयं की इज्जत बचाते हो भगवान के द्वारा, और भगवान की इज्जत आप कैसे करते हो? कभी कभार अगर आपको नाली नूली में चलते हुए इधर उधर कभी भगवान की फोटो, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति इधर मिल जाए, तो कृपया भगवान के सच्चे भक्त बनकर उसको उस जगह रख दीजिएगा, उस जगह पर छोड़ दीजिएगा जहाँ पर भगवान का निराधार है। बहुत दुख होता है, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, ये कैसे लोग हैं अपने भगवान की इज्जत कर नहीं पाते। कभी ये सोच कर देखना, अगर हमारी तस्वीर या हमारे माता पिता की तस्वीर कोई कचड़े के ढेर में डाल दे, तो आप क्या करो, आपको कैसा लगेगा? तो कभी स्वयं विचार करना, भगवान हमारे माता पिता है, भगवान की तस्वीरें उस जगह पर पहुंच रही है जहां पहुंचते ही आप अपना नाक बंद कर लेते, इतनी बदबू आ रही है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं। कोई मूर्ति खंड विखंडित हो जाए, तो हाथ जोड़ के किसी एकांत स्थान पर खड्डा खोद के आप वहां डालिए, लेकिन भगवान का अनादर मत कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हम कितनी बड़ी गलती